हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनव राजवंशी ऑन बिहाफ मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करने वाले हैं टनल इंजीनियरिंग की। टनल इंजीनियरिंग जो बेसिकली है आपका एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, सब पार्ट है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जैसे कि आपका हाईवे है, रेलवे है, टनल इंजीनियरिंग है, ब्रिज इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट एंड डॉक इंजीनियरिंग है। तो जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका टनल इंजीनियरिंग। टनल इंजीनियरिंग जो है ये आपका सिलेबस RRB JEE में भी दिया हुआ है और इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है अच्छा खासा, क्योंकि हमारा क्या है कि ये जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, इसमें एक मार्क्स का भी आपका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहेगा। सो हम इस चीज़ के लिए बात करेंगे और इस सब्जेक्ट को थॉरली समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम इस सब्जेक्ट में और हर एक पॉइंट को कि आखिर इन टनल की हमें ज़रूरत क्या है, किस लेवल से हमें इस चीज़ के मतलब इस इन्वेस्टिगेशंस और इसका क्या क्लासिफिकेशंस है टनल्स का, और हमें क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्या मेजरमेंट्स होते हैं, क्या सेफ है, और हमें हार्ड रॉक में या फिर सॉफ्ट सॉयल में कैसे टनलिंग के क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर टनलिंग जो है, टनल जो है आपका हम कहाँ से इस चीज़ का अस्तित्व आया, इस चीज़ के बारे में हमने कब जाना कि आखिर टनल नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर एक सिंपल सी टनल की डिफिनीशन देखें तो हम कह सकते हैं कि टनल की अगर डिफिनीशन देखते हैं तो कह सकते हैं कि इट्स अंडरग्राउंड पैसेज वे, विच इज डग थ्रू सराउंडिंग सॉयल, रॉक और हिल। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से या फिर हिल के अंदर से, कि एक ऐसा रास्ता अंडरग्राउंड जो कि हमने आसपास की सॉयल को या रॉक को या हिल जो है उसको काट के बनाया हुआ है। लेकिन ऐसे इसमें एक सिचुएशन ये होती है कि जो ये अंडरग्राउंड पैसेज वे है ये इनक्लोज्ड रहेगा थ्रू आउट द लेंथ, इनक्लोज्ड थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक सिंपल डिफिनीशन देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक अंडरग्राउंड पैसेज वे जो कि सराउंडिंग सॉयल के आसपास की जो सॉयल है या रॉक को, उस चीज़ को काट के बनाया गया है और वो थ्रू आउट द लेंथ आपका इनक्लोज रहता है एक्सेप्ट एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन अगर अब हम देखें कि आखिर टनल का सिग्निफिकेंस या हमारी लाइफ में या इस वर्ल्ड में आखिर सबसे पहले यूज कब हुआ, किस टाइम पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा मतलब एक ये इस एग्जिस्टेंस में आई टनल, तो अगर हम इस चीज़ के लिए देखें तो अगर हम जाएं 4000 साल पहले, तो अगर हम 4000 साल पहले देखते हैं और तो वहाँ पे जो इजिप्शियंस हुआ करते थे, इजिप्शियंस एंड बेबीलोनियंस, तो इन्होंने सबसे पहले यूज किया टनल का। अब इन लोगों ने किया कैसे ये देखते हैं। देखिए क्या है कि जो इजिप्शियंस हैं, आपको पता होगा कि इजिप्ट में जो है आप पिरामिड के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है इजिप्ट। अब वहाँ पे पिरामिड बनते क्यों थे, वो इसलिए बनते थे क्योंकि उनके कुछ बिलीव्स थे, उनके कुछ बिलीव्स हुआ करते थे, कुछ रिचुअल्स हुआ करते थे। उनका मानना ये था कि अगर डेथ होती है जो अगर किसी के उनके पूर्वज की या उनके किसी परिवार में, तो उनका ये मानना हुआ करता था कि उनकी जो आत्मा है मरने के बाद भी उनके पास में आती है, अपनी बॉडी से मिलती है। तो इसलिए वो क्या करते थे, पूरी साज सज्जा के साथ उनको पूरी बॉडी को मैरिनेट करके मम्मी बना के उसको वहाँ पे पिरामिड्स में रखते थे। उनके सारे हीरे जवाहरात, जितना सब गोल्ड और जितना सब कुछ होता था, सब चीज़ें वहाँ पे रखी जाती थी। और फिर वो मतलब क्या होता था, उनके कुछ रिचुअल्स होते थे, उस रिचुअल को पूरा करने के लिए वहाँ पे जाया करते थे। और उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी के लिए वो लोग बनाए हुए थे अंडरग्राउंड पैसेज वे, जो कि एक टनल्स का फॉर्म रहा। तो इसलिए हमको सबसे पहला सिग्निफिकेंस मिलता है इजिप्शियंस का, जो कि टनल्स को यूज किया इन्होंने सबसे पहले। और अगर उसके बाद की बात करें तो हमारा जो है थेम्स टनल हमने सबसे बाद में यूज की, उस मतलब एक मॉडर्न टाइम का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन और एक सबसे पहला माइलस्टोन अगर देखा जाए तो थेम्स टनल है, जिसके बारे में हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखें कि
कि एक अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये अंडरग्राउंड पैसेज वे हो गया जो कि आसपास की सॉयल को रॉक को काट के बनाया गया और इनक्लोज रहता है जो एग्जिट और एंट्री को छोड़ के बाकी पूरा लेंथ थ्रू आउट द लेंथ इनक्लोज रहता है। लेकिन अब हम देखें अगर इस चीज़ को आखिर दिया क्यों जा रहा है, तो इसका अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देख लें तो अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो उसमें यह आएगा कि फॉर फुट रोड या फिर इस कोई वेहिकुलर रोड हो या फिर रेलवे हो या फिर यूटिलिटीज हो कोई फर्दर, ठीक है। अब देखिए फुट रोड और वेहिकुलर रेलवे और यूटिलिटीज में क्या क्या जरूरतें हैं ये अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं तो बात करें अगर किसी सिटी की, मान लीजिए आप एक किसी सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन, ठीक है। अब कोई भी सिटी है पर्टिकुलर तो वहाँ पर पॉपुलेशन होगी कोई ना कोई पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कोई डिमांड्स हैं, उनकी डेली सर्वाइवल डेली नीड्स हैं। डेली नीड्स के लिए सबसे अगर मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो हमारी वाटर सप्लाई है। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे रहने के लिए किसी भी इंसान को पानी की ज़रूरत है, खाने के लिए पीने के लिए डेली जो नीड्स हैं हाउस होल्ड उनके लिए। अब पानी की नीड है तो उसके बाद उसका जो अगर हम एक हिसाब से देखें, आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कि पर कैपिटा जो होती है रिक्वायरमेंट वो होती है 135 LPCD, मतलब एक जो इंसान की डेली नीड है वो इतना है वाटर, और इस वाटर का 80% जो पार्ट है वो आपका सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब अगर हम वाटर का इंटेक कर रहे हैं, वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ रही, तो हमें कहीं ना कहीं सीवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट टू डिस्चार्ज द सीवेज। तो मतलब हमें वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है, हमें सीवर सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर हम उस जगह पर कहीं रह रहे हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट इन द वे, अगर हमारे पास अपनी खुद की बाइक है, अपनी खुद की कार है, तब भी हमें एक रास्ता चाहिए हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी जगह पे। तो मतलब क्या है कि आप किसी सिटी की बात करें, ठीक है, सिटी ए मान लेते हैं, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन मिलेगी, यहाँ पे आपको वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सीवर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, सीवर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको डेली कहीं आना जाना कन्वेंस के लिए आपको इधर उधर जाना है, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए ये सारी ज़रूरतें हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि फुट रोड, व्हीकुलर रोड, रेलवे या यूटिलिटीज, तो देखिए इन सब चीज़ों की जो डिटेल है वो मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा। आप देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या है कि पॉपुलेशन है तो वाटर सप्लाई की ज़रूरत है। अब वाटर सप्लाई की क्या है कि अगर कोई भी एक सिटी है हमारी, सिटी ए मान लीजिए, आप सिटी ए मान लेते हैं और यहाँ पे अगर हम मान लें कि कुछ घर बने हुए हैं हमारे, ऐसे ये घर हैं, ये घर हैं, ऐसे ऐसे घर बने हैं, एक लेआउट मान लें, तो हम क्या करेंगे अगर एक इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया है, ऑब्वियसली अगर हम पानी सप्लाई कर रहे हैं तो एक कोई छोटे एरिया में नहीं सप्लाई करते, बहुत बड़ा एक सिटी बहुत बड़ी अपने आप में बड़ी जगह हो जाती है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कोई बड़ी पाइप या कोई डायरेक्ट छोटी पाइप स्टार्टिंग से लेकर वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक ह्यूज डायमीटर की पाइप चाहिए होती है, और उसको उसके थ्रू हम पहले पानी मेन सेंटर से रिलीज करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ सब डिवीज़न होते हैं पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए, कुछ सब डिवीज़न होते हैं पाइप के। अब क्या है कि इतनी जैसे अगर आप मान लीजिए अगर मेन जगह यहाँ पे है कहीं पे मेन स्टेशन या मेन टैंक है, यहाँ पे वाटर टैंक है, अगर यहाँ पे यहाँ से अगर हमने निकाल ली पाइप तो ये कुछ मान लीजिए कुछ कंसिडरेबल डेप्थ है इसकी जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो इसको हम डायरेक्ट आप रोड पर नहीं डाल सकते। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमको अंडरग्राउंड पैसेज की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम डालेंगे इसको। अब इसमें से फिर कोई एक सब मेन पाइप निकलती है और उसमें से फिर कोई सब मेन निकलती है जो कि यहाँ पे आती है। अब इस लोकेलिटी में ये आती है यहाँ पे, तब जाके ये इस पाइप के थ्रू यहाँ 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 ऐसे, क्यों, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर प्रेशर की भी ज़रूरत है कि सो दैट कि यहाँ पर हर एक घर में हर एक इंडिविजुअल के पास
टैप के थ्रू पानी को एक्सेस किया जा सके, उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। और जो पाइप है, जो पानी है, इतना ज़्यादा अमाउंट होता है, इतने ज़्यादा एरिया में पहुँचाना होता है कि वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें बड़ी पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बड़ी पाइप्स हम रोड पर नहीं डाल सकते क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगी, जो आसपास की जो लाइफ है, सरफेस लाइफ, उसको डिस्टर्ब करेंगी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें बड़ी पाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब हमारा कहने का है कि आपकी वाटर सप्लाई के लिए टनलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम सेम वे में देखें कि अगर हम पानी सप्लाई ले रहे हैं, हम डेली नीड्स हमारी हो रही है पूरी, अब उसके बाद हमें अगर यहाँ पे सीवर है, एक घर में ए बी सी मान लेते हैं ये घर है, यहाँ पे सीवर निकला, इन्होंने जो 80% सीवर निकाला वो यहाँ से एक पाइप में निकाल दिया, इन्होंने यहाँ से निकाल दिया, इन्होंने यहाँ से निकाल दिया। अब ये क्या होता है, एक हाउस ड्रेनेज होता है, वहाँ पे कलेक्ट होता है, ये आपका एक आगे फर्दर सीवर में कनेक्ट होता है, और फिर ये फिर फर्दर जाके आपके और बड़े सीवर लाइन में जाता है, मतलब इनका साइज बढ़ता ही जाता है। अब ये क्या है कि ये भी इतना ज़्यादा इनका डाया होता है कि ये काफ़ी बड़ी पाइप्स हो जाती हैं, बड़े डायमीटर की, तो इसके लिए भी हमें टनलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब इनको भी हम, जैसे कि इनमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि फोल स्मेल आती है, और इनके लिए जैसे साइज भी बड़ा है, तो इसके लिए भी हमें टनलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, और इनको हम अंडरग्राउंड डालते हैं पाइप्स को। तो मतलब क्या है कहने का कि आपका वाटर सप्लाई में ज़रूरत पड़ेगी, आपका सीवर सिस्टम में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो है, इसी में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और होती हैं कि कम्युनिकेशन, जैसे देख लें अगर हम रह रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम एक सब पार्ट इसी में देख लें, कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है टनलिंग की। अब यहाँ कैसे पड़ती है, यहाँ पे क्या है कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो अब जो मॉडर्न मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बिछाने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पोल्स लगे हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिक के तार बिछे हुए हैं, तो उनसे क्या होता है, लॉस भी ज़्यादा होता है, उनसे चोरी भी होती है, बिजली चोरी, और बहुत सी मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया, अब जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस आए हैं वो कि हम अंडरग्राउंड तार बिछाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये रोल्ड अप टायर्स होते हैं, काफ़ी मोटे थिकनेस होती है, उनको क्या करते हैं कि हम अंडरग्राउंड केबल्स को बिछाते हैं एक प्रॉपर डक्ट में, तो उस डक्ट के लिए भी हमें क्या करना है, टनलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो टनलिंग के थ्रू वहाँ पर अंडरग्राउंड पैसेज में हम उनको डालते हैं, और फिर हाउस टू हाउस पहुँचाते रहते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें, जैसे हमारा पहले आता था बीएसएनएल का, जब सबसे पहले अगर हम कोई पहले देखें तो उसमें क्या होता था, टावर लगाना पड़ता था, उसके बाद हमें केबल्स बिछानी पड़ती थी, और फिर डायरेक्ट सब जाती थी केबल और हमारे सीवर में लगी होती थी। लेकिन अब अगर हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया, लेकिन तब भी जो सब स्टेशंस होते हैं, जो मेन स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर केबल्स बिछी होती हैं, और वो केबल्स जो होती हैं उनको हम बिछाने के लिए अंडरग्राउंड पैसेज का यूज करते हैं, अंडरग्राउंड टनलिंग, अंडरग्राउंड डक्ट्स डाली जाती हैं, उन पर हम प्रोवाइड करते हैं, बिछाते हैं ये सारी की सारी। और अगर किसी भी सिटी में देखें तो वहाँ पे बहुत मतलब एक आपका देख सकते हैं कि कहीं मतलब ये जो केबल्स होती हैं बिछी पड़ी होती हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बिछी हैं, कहीं वो बिछाई जा रही हैं, कहीं कम्युनिकेशन केबल्स बिछाई जा रही हैं, तो हमें मतलब आपका इन चीज़ों में भी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में जो वाटर सप्लाई है, और जो ये सीवर सिस्टम है, और कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं यूटिलिटीज में। मतलब आप कह सकते हैं कि जो यूटिलिटीज बेस्ड जो टनल्स प्रोवाइड की जाती हैं वो आपकी हैं वाटर सप्लाई में, आपका सीवर सिस्टम में, आपका इलेक्ट्रिसिटी में, कम्युनिकेशन में, ठीक है। और एक ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ इसमें कि आप जो मेट्रो यूज करते हैं, आप अगर किसी मतलब दिल्ली में अगर आपने देखा होगा, या आप मुंबई या फिर आप कोलकाता या कहीं भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि मेट्रोज वहाँ होती हैं। अब जैसे अगर पर्टिकुलर बात करें हम दिल्ली की, तो अगर हम देखें सिटी दिल्ली, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बाकी जो लाइन्स हैं, मतलब ब्लू लाइन या बाकी वॉयलेट लाइन या मैजेंटा लाइन, ये सब आपकी जो हैं सरफेस लाइन्स हैं, सरफेस में मेट्रो रन करती। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें हम येलो लाइन की, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, तो येलो लाइन की बात करें तो ये जो है ये अंडरग्राउंड रन करती। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या है कि जैसे टनल्स प्रोवाइड कराने का रीज़न यहाँ पे क्या है कि जो
यहाँ पे सरफेस है, यहाँ की जो लोकेलिटी है पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर लोकेलिटी पे या तो हमें वहाँ की लैंड एक्वायर नहीं हो पा रही है, सॉरी, या तो हमें वहाँ की लैंड एक्वायर नहीं हो पा रही, या तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे जो सरफेस लाइफ है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अब अगर जेन्युइन रीजन यहाँ का देखें तो यहाँ पे जो मेन रीजन था इस लोकेलिटी की, जहाँ पे अंडरग्राउंड येलो लाइन प्रोवाइड की गई, कि यहाँ पे लाइफ इतनी क्राउडेड थी और इतना ज़्यादा वेल स्टेब्लिश थी वहाँ पे बिल्डिंग्स एंड ऑल की, मतलब वहाँ की हम सरफेस लाइफ को एक्वायर नहीं कर पा रहे थे और डिस्टर्ब करना भी नहीं सही था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे हमको अंडरग्राउंड प्रोवाइड करानी पड़ी, जो कि एक सबसे बड़ा रीज़न है टनल्स प्रोवाइड कराने का। कि मतलब आखिर टनल हम प्रोवाइड क्यों कराते हैं, रीज़न यही है कि कहीं पे अगर हम लाइफ को, वहाँ की सरफेस लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की जो लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ की ऐसी जियोलॉजिकल या वहाँ की सराउंडिंग सिचुएशंस ऐसी नहीं कि हम वहाँ पे रोड या डायरेक्ट पाथवे या डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे हमको टनल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका एक, अगर आप देखें कि अगर जैसे टनल हम आप बात कर रहे हैं, तो सबसे इसका एक अनदर पॉइंट यही बन जाता है कि आखिर किस लिए प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे एक्सेस या फिर हमें वहाँ पे लैंड की एक्विजिशन नहीं हो पाता है या फिर सरफेस लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो चलिए आइए, बात हम कर रहे थे सिटी दिल्ली की, तो मैंने बताया जैसा कि आपको कि येलो लाइन यहाँ की जो है अंडरग्राउंड किस लिए है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे थे अथॉरिटीज़, और या तो यहाँ पे सरफेस लाइफ नहीं डिस्टर्ब कर सकते थे, ठीक है। तो मेट्रो भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई, तो मेट्रो भी जो है आपका, ये आपका यूटिलिटीज़ में आता है, पब्लिक यूटिलिटीज़ बेस्ड टनल डिवीज़न में, ठीक है। तो ये आपका मेट्रो आ गया। अब देखिए, मेट्रो अगर कोई भी अंडरग्राउंड टनल बनती है तो वहाँ पे हमको इन्वेस्टिगेशंस भी करने पड़ते हैं कि आखिर हमें ऊपर से जो लोड आ रहा है वो चीज़ जो है कि मतलब उतना लोड बियर कर पाएगी सॉयल स्ट्रेटा या नहीं कर पाएगी, तो ये चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशंस में, जो इन्वेस्टिगेशन इसी का टॉपिक रहेगा, उसमें डिस्कस करेंगे। और अभी मैं आपको बस एक फर्दर ब्रीफ दे रहा हूँ कि आखिर क्या है, ज़रूरतें क्या है हमारी टनल की। तो अगर हम बात कर रहे थे कि यूटिलिटीज़ बेस्ड में, कि वाटर सप्लाई और सीवर सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन और मेट्रो, ये सब आपको किसी सिटी में ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। अगर हमको वहाँ पे ये बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो बाकी क्या नीड्स आती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत आती है। अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या है, हमारा हाईवे है, रेलवे है, और हमारा फुट रोड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी एक किसी सिटी के विद इन लोगों की ज़रूरतें हैं, ठीक है। अब देखिए, हाईवे में क्या है, मान लीजिए कोई हम रोड बना रहे थे, अब सडन से ऐसी एक लोकेशन आ रही है, लोकेशन ए मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि या तो यहाँ पे सरफेस लाइफ ऐसी है कि यहाँ पे हम डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर ऐसा है कि हम यहाँ पे जो लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इन दोनों का बस एक सलूशन यहाँ पे बचता है कि इसको हम सरपास, इसको हम बाईपास कर जाएं, इसको हम क्रॉस कर जाएं, कि बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के इसको, और इसको डिस्टर्बेंस भी ना हो, तो बस एक रास्ता बचता है कि हम यहाँ से टनलिंग प्रोवाइड कर देंगे और इतना जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्टर्बेंस है, इसको हम क्रॉस ओवर कर जाएंगे थ्रू द टनल। हम टनल के थ्रू यहाँ पे रास्ता प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये प्लेन पे भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहीं पे कि मान लो कोई रोड बना रहे हैं हम, और वो हिल एरियाज में है। अब हिल एरियाज में है तो कोई ये हिल है, ठीक है। अब ये कोई, जैसे ये हाईवे जा रहा है, ठीक, देखिएगा ये हाईवे जा रहा था, दो तरीके हैं, देखिएगा ये हाईवे हम बना रहे थे, और अगर ये इस तरीके से है कि यहाँ पे ये दो हिल्स मीट कर रही, यहाँ पे हम, हमारी सिचुएशन ऐसी बन नहीं है कि हमारी कंडीशंस ऐसी बन नहीं कि हम इसको नॉर्मली इसको काट के इसको रोड को निकाल सकते हैं, तो हम ये ऐसे निकाल देंगे, ठीक, ओके, ये रोड आगे फर्दर चली जाएगी। लेकिन, और इसको बोलते हैं हम ओपन कट, ओपन कट टनलिंग,
या फिर ओपन कट बोल दें, सिंपली ओपन कट बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पे अगर हम कोई रोड बना रहे हैं, हाईवे की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे मान लीजिए आ गई, ठीक है, और ये आए, अब हम रोड कहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे जा रही कहीं रोड हमारी, ऑलराइट, इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं। अब हमको रोड को उधर पार कराना है, और ये कुछ विथ है, मान लीजिए कोई भी सिग्निफिकेंट विथ है इसकी, कि वहाँ पे हमको कंसिडरेबल है, हमारे लिए फिजिबल है, इकोनॉमिकल है, कि हम उसको डिग करके हम उसको काट के वहाँ से टनल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको डक कर देते हैं इस टनल को, और ऐसे करते हैं कि हम इसको आगे फर्दर इतनी जो विथ है इसको टनलिंग करके यहाँ से रोड निकाल के आगे बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी हिल एरिया पे, कि हमें हाईवे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईवे में भी हम टनलिंग दे देते हैं किसी हिल एरिया पे। और इसका अगर हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो हमारा हाईवे में रहेगा आपका जवाहर टनल। एग्जाम्पल आपका हम बता दे रहे हैं जवाहर टनल, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, बनिहाल में, जो कि 2.43 किलोमीटर की है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालयन है, स्नो क्लैड हिमालयन, जहाँ बर्फ से ढके पूरे हिमालयन, जहाँ को मतलब एक्सेस कोई और रास्ता बन नहीं रहा था। तो वहाँ पे बस एक हमारा सबसे इफ़िशियंट मैनर में क्या मिला हमको, कि वहाँ पे हम टनलिंग दे के वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करा सकते हैं, वहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं एक हाईवे, एक रोड प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आपका जो जवाहर टनल है, ये आपका जीता जागता उदाहरण है सबसे अच्छा, और इंडिया का एक अच्छा अचीवमेंट भी रहा है टनलिंग में। तो ये आपका हाईवे का हो गया। अब अगर आपको हम देखें रेलवे में, तो रेलवे भी कभी कभी होता है कि हमें पर्टिकुलर किसी लेक में या कभी कहीं पे ऐसे वाटर वे के थ्रू भी निकाल देते हैं नीचे से, या फिर कहीं हमें अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने बताया आपका मॉडर्न टाइम में एक थेम्स टनल है, वो भी अंडर वाटर टनल है, और अगर हम आप देखें सिम्पलॉन टनल जो है, ये भी आपका बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो जो रेलवे में है उसमें आपको एग्जांपल अगर हम तौर पे बताएं, तो द सिम्पलॉन टनल आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और ये 19.23 कुछ ऐसे किलोमीटर की है, जिसको 25 साल लगे, मतलब इस टनल को बनने में 25 साल लगे, और इस टनल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1895 स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसका 1895 में स्टार्ट हुआ वर्क, और 25 साल चला, 25 साल चला इसका कंस्ट्रक्शन। और अगर हम इसी में देखें रेलवे में, तो आप लोग घूमने गए होंगे इंडिया में, हमारे दार्जिलिंग है, कालका शिमला है, ये रूट हैं कुछ रेलवे के, तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करें कालका शिमला रेलवे रूट की, तो वहाँ पे आपको 103 टनल्स मिलती हैं, हालांकि अब 102 मिलती हैं क्योंकि एक टनल बंद हो गई है। तो ये जो 1855 में बनना स्टार्ट हुई थी 1855 में, और इस जो रेलवे रूट को है ये पॉसिबल कब हुआ वहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हिल्स थी वहाँ पे और पूरा हिली एरिया था, हिल्स में निकाली गई है ये रेलवे रूट, तो वहाँ पे पॉसिबल क्यों हुआ, बस ओनली एंड ओनली टनल्स की हेल्प से। अब देखिए इतना ज़्यादा हेक्टिक था कि वो मतलब वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब पॉसिबल ही नहीं था अगर टनल्स नहीं होती, तब जाके वहाँ पे 103 टनल्स प्रोवाइड की गई और रेलवे रूट को पहुँचाया गया शिमला तक कालका से। सो ये कह सकते हैं कि अगर हिल एरिया में देखें तो बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस हो जाता है हमारे टनल का, कि इनकी वजह से हम वहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करा पाते हैं लोकल को और लोकेलिटी में, उस किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में हिल एरिया में, कि अगर चाहे हाईवे की बात करें चाहे रेलवे की बात करें, तो वहाँ पे हमारा जो है टनल्स का बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने में। तो हम इसमें यहाँ पे आपका एग्जांपल मेंशन किए दे रहे हैं कालका शिमला, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, जो कि 1855 में बनना स्टार्ट हुआ था, ऑलराइट। तो ये जो है आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल है रेलवे का। और अगर हम अब बात करें फुट रोड की, तो देखिए जैसे हमने आपको बताया मेट्रो में कि हम येलो लाइन पे मेट्रो में मतलब अंडरग्राउंड मेट्रो है, अब मान लीजिए कोई मेट्रो पे ही बात कर लें, या कहीं बस स्टॉप पे बात कर लें, या कहीं कोई सिटी में है, अगर हम किसी रोड के एक साइड में खड़े हैं, रोड बहुत कंजेस्टेड है या रोड बहुत बिजी है, मान लीजिए एक्सप्रेस वे ही है, बट हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं कि जैसे जहाँ पे आपको इस सिटी है, ये रोड जा रही है,
डिवाइडर है, ये रोड जा रही है, ठीक है। आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक, आपको जाना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोई क्रॉस दिया नहीं गया है, यहाँ पे कोई आपको ऐसा ब्रिज भी नहीं दिया गया है कि हम वहाँ पे प्रोवाइड मतलब इधर कनेक्टिव, क्योंकि ब्रिज इतने में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो भी कॉस्टली इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सबवे पास करा देते हैं, एक यहाँ पे हम टनलिंग के थ्रू एक रास्ता दे देते हैं। अब जिसको हम अगर कहें देखें एक जनरलाइज्ड लेआउट, तो अगर हम देखें तो ये मान लीजिए, ठीक है, देखिएगा एक जनरलाइज्ड है, इसको आपको हम शेप वगैरह के बारे में बताएंगे फर्दर, एक हम यहाँ के लिए बता दे रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका एक इस शेप में कुछ आपका यहाँ पर एक गेट इधर रहता है, एक इधर रहता है। आपने देखा होगा अक्सर दिल्ली या फिर किसी भी पर्टिकुलर सिटी में जाइए तो अगर आप सबवे देखते हैं तो प्रोवाइड होता है कि आप रोड के पहले कुछ एक्सेस होता है यहाँ पे मेन रोड पे, उसके बाद ये अंडरग्राउंड टनलिंग होती है और उसके बाद ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से एग्जिट रहता है। तो मतलब इस डिस्टर्बेंस को या इस इंटरफेरेंस को जो होता है, या जो ये चीज़ है, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रॉस करने के लिए हमको यहाँ पे बाईपास या सबवे प्रोवाइड कराना पड़ता है अंडरग्राउंड, और वो भी एक टनल का ही कॉन्सेप्ट है। तो मतलब ये फुट रोड का कहने का मतलब यही है बस, कि आपको ये जो सबवे या एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका सबवे या बाईपास अंडरग्राउंड जो होता है, ये चीज़। तो ये रहा आपका कि मतलब जो टनल्स हैं हम वो प्रोवाइड किस लिए कराते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट जो आपका था, फुट रोड, व्हीकुलर, रेलवे, यूटिलिटीज, आई होप आपको समझ में आ गया किस बेसिस पे हमको कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। अब अगर हम इसके आगे बात करें कि जो टनलिंग करने से पहले हमको क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस या क्या क्या मेजरमेंट्स देखने पड़ते हैं, हमको क्या उसके बारे में फिजिबिलिटी एनालिसिस या हमें क्या क्लासिफिकेशंस हैं, तो ये सब हम आगे अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखें तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जैसे हम अभी इंट्रोडक्शन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन इसका जो है वो देख रहे थे, तो ये अभी कुछ ब्रीफ बताया, अभी इसको फर्दर अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स या फीजिबिलिटी ऑफ टनल्स, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स, क्लासिफिकेशन टनल जो है वो तीन बेसिस पे होता है, एक तो अलाइनमेंट पे होता है, एक होता है आपका जो पर्पज होता है, और एक होता है आपका जियोलॉजी, और इसके बाद जो है हमारा क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी पड़ती हैं। इन्वेस्टिगेशंस भी जैसे क्या होता है कि आपका कुछ कोई प्लान बना रहे हैं कि हम यहाँ पे टनलिंग करानी है और या हमें यहाँ पे टनलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमको पहले वहाँ पे टनलिंग का प्लान बनाने से पहले वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। कि मान लीजिए कि हमारा ये पर्टिकुलर कोई लोकेशन है और हमको यहाँ पे टनलिंग देनी है, तो इसके ऊपर अगर हम सॉयल स्टेटा इतनी सॉयल के नीचे अगर इतनी डेप्थ पे देंगे टनल्स, तो क्या हमारा जो ये सॉयल है ऊपर की, ये जो स्टेटा है, ये क्या ऊपर का सारा लोड बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसके लिए फर्दर कैलकुलेशंस होती हैं, फर्दर इसके लिए कैलकुलेशंस होती हैं और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक टाइम ऑन द टाइम ऑफ प्लानिंग होती है कि इन्वेस्टिगेशन, और एक होती है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है पॉइंट आपका आएगा एग्जीक्यूशंस आ जाएगा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद सेप, और सेप के बाद पढ़ेंगे टनलिंग इन, सॉफ्ट सॉयल या हार्ड रॉक। और फिर हम देख लेंगे कुछ मिसलेनियस चीजें, ठीक है। तो बेसिकली हम इन टाइप से चलेंगे, इस टाइप पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी इसमें हम आपको और फर्दर चीजें बताएंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स एंड फिजिबिलिटी ऑफ टनल्स पे आएंगे। इसी में हम आपको बता देंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऑलराइट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अलाइनमेंट के बेसिस पे कितनी टनल्स होती हैं, आपका पर्पज़ के बेसिस पे कितनी टनल्स होती हैं, आपकी जियोलॉजी के बेस पे कितनी टनल्स होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनका डिवीजन, उनका सब डिवीजन और उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद आपका आएगा इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैंने बताया, प्रियर टू प्लान, एट द टाइम ऑफ प्लान एंड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव टू मेक सम इन्वेस्टिगेशंस, एंड फॉर दैट हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसके, वो करेंगे। और उसके बाद हम एग्जीक्यूशंस की, आखिर किस टाइप की सॉयल में, किस टाइप की लोकेशन पे, किस हिसाब से क्या एग्जीक्यूशंस करनी है, क्या मेथड्स होते हैं, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द सेप कि किस टाइप के सेप की टनल प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे प्रोवाइड करानी है, एंड देन विल मूव ऑन टू टनलिंग इन सॉफ्ट सॉयल एंड हार्ड रॉक, कि आप सॉफ्ट सॉयल में रॉक टनलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, आप हार्ड रॉक में करनी है तो कैसे करेंगे, क्या मेथड्स होते हैं, क्या मशीनरी यूज की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल गो फॉर द मिसलेनियस। ओके, सो इस हिसाब से हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे और फर्दर डिस्कशंस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, एक थॉरो नॉलेज लेंगे, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना आए किसी भी एग्जाम में रिगार्डिंग, आप चाहे RRB जेई हो, चाहे SSC जेई हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये एक छोटा सब्जेक्ट है तो इसके अपने खुद के फ़ायदे हैं कि आपको बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा इसमें। बिकॉज क्या, अगर कंपेरेटिवली बात करें अगर ट्रांसपोर्टेशन में, तो अगर हाईवे देखें या रेलवे देखें तो उनका एक कुछ है लेंदी सिलेबस, स्पेशली आपका हाईवे का, लेकिन अगर आप टनलिंग का देखें तो उसका 1/4 पार्ट है ये, और उसमें अगर आपको हाईवे में अगर किसी ऑब्जेक्टिव में अगर देखें तो अगर उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसके आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब क्या है कि आप दो, अगर ये आपका ये एक घंटे में या मतलब 4 दिन में आपके ये 2 क्वेश्चन से और हो रहे हैं, वो आपके 15 दिन में या 10 दिन में 5 क्वेश्चन से और हो रहे हैं, तो फ़ायदेमंद तो यही रहा ना। तो इसलिए मतलब आपका कम इन्वेस्टमेंट है टाइम का और आपका मैक्सिमम आउटपुट है। और एज अगर हम बात करें कि RRB जेई की, तो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक नंबर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ढंग से थॉरोली देखना पड़ेगा इस सब्जेक्ट। और अगर आपको कोई फर्दर डाउट्स या कोई बात, अगर कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं तो आप ज़रूर बताएं नीचे दिए हुए नंबर पे। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट चैनल एट आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच।